हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बिल्कुल देसी स्टाइल लहसुन वाला चिकन। सबसे पहले हमने ले लिया है 1 kg चिकन। चिकन को अच्छे से वॉश कर लेंगे, कम से कम 3 बार वॉश कर लेंगे अच्छे से। हमने चिकन को बहुत ही अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। अब 5 से 6 प्याज को बारीकी से काट लेंगे। 15 से 20 लहसुन की कलियां ले लेंगे। 5 से 6 हरी मिर्च ले लेंगे। याद रखिएगा, हम 1 kg चिकन बना रहे हैं, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हम एक भगोना ले लेंगे, भगोने में तेल डाल देंगे। तेल गरम होने पे 1 चम्मच जीरा डाल देंगे, 2 से 3 तेज पत्ता डाल देंगे। के बाद हम अपनी लहसुन की कलियां को डाल देंगे। और फिर अच्छी तरीके से तड़के को भून लेंगे। जब हमारा तड़का अच्छे से भून जाए, तब उसमें 5 से 6 जो हरी मिर्च थी उसको डाल देंगे। आप चाहें तो लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, वो हरी मिर्च पसंद है इसलिए हरी मिर्च डाल। अब यहाँ पे हम लोग बारीक कटा हुआ प्याज भी डाल देंगे। और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। हमने प्याज को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसको भूनेंगे, ढक के भूनेंगे। अब ये देखिए, हमारा प्याज भून चुका है। जब प्याज भून जाए तो 2 से 3 टमाटर काट के इसमें ऐड कर देंगे। और जब हम टमाटर डालेंगे तभी ही नमक भी डाल देंगे स्वाद अनुसार। देखिए, हमने नमक डाल दिया। अब इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद प्याज और टमाटर को अच्छे से कुक करेंगे 5 मिनट के लिए, जब तक ये दोनों भून नहीं जाता। फिर अब खड़ा लहसुन 5 से 6 जितना आपको खाना हो उतना आप खड़ा लहसुन यहीं पे डाल दें। और अच्छे से इसको मिक्स कर दें और इसको 5 से 6 मिनट तक कुक करें ढक के। ये देखिए, हमारा प्याज टमाटर बिल्कुल गल चुका है, एकदम अच्छे से पक चुका है। अब दोनों ही चीज़ पक गया है। अब हम यहीं पे अपना जो चिकन हमने धुल के रखा हुआ था उसको ऐड करेंगे। अब चिकन को और प्याज को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको भूनेंगे
ढक के भुनेंगे कम से कम 5 मिनट। देखिए ढक दिया हमने चिकन। अब हम मसाला तैयार कर लेंगे। एक कटोरी में पानी ले लेंगे और 2 टीस्पून धनिया पाउडर डाल देंगे। एक टीस्पून जीरा पाउडर, करीब 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च और 1 चम्मच हल्दी पाउडर। और यहीं पे आपके पास मटन या चिकन मसाला हो या गरम मसाला कोई भी हो तो आप 2 चम्मच यहीं पे आप ये डाल सकते हैं। अब इसको कटोरी में सब मसाले को रख के कम से कम 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। अब देखिए हमारा चिकन जो है भुन गया है। देखिए उसका कलर भी चेंज हो गया है। अब यहीं पे हम देखिए पूरा हमारा चिकन भुन चुका है। अब अच्छे से अब यहीं पे हम मसाला जो पानी में रखे थे कटोरी में उसको इसी में ऐड कर देंगे और उसको अच्छे से मिक्स करके भुनेंगे। ढक के भुनेंगे, याद रखिएगा आपको ढक के भुनना है। यहीं पे हम लोग कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे। और इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे। यहाँ पे हमारा चिकन जो है अच्छी तरीके से भून चुका है। अब इसमें गर्म पानी, जितना आपको ग्रेवी चाहिए उतना यहाँ पे हम गर्म पानी ऐड कर देंगे, क्योंकि हमारा चिकन जो है पहले ही भून चुका है, अच्छे से पक चुका है। तो अब जितना ही आपको ग्रेवी चाहिए उतना में गर्म पानी ऐड करेंगे। याद रखिएगा ठंडा पानी नहीं ऐड करना है, गर्म पानी आप यहाँ पे ऐड करेंगे। ये देखिए हमारा जो चिकन है बिल्कुल बनके तैयार हो चुका है। देखिए देखने में कितना लाजवाब लग रहा है। अब आप इसको चाहें तो रोटी, चावल या नान के साथ किसी की चीज़ भी खा सकते हैं। देखने में तो बहुत ही, देखिए हमारा जो चिकन है कितना अच्छे से पका हुआ है, ग्रेवी कितनी मोटी बनी है, थिक बनी है। ये चिकन का पीसेस कितने अच्छे लग रहे हैं, टेस्टी लग रहे हैं बिल्कुल। अगर जो रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कैसी लगी रेसिपी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।